हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्कशॉप अकाउंट के बारे में। लास्ट वीडियो में जब हम सस्पेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो उसमें तीसरा टाइप था सस्पेंस का, वो था वर्कशॉप सस्पेंस। तो हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है कि वर्कशॉप सस्पेंस में जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशॉप अकाउंट के बारे में। चैप्टर के तीन पार्ट हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहाँ हम ये देखेंगे कि वर्कशॉप सस्पेंस क्या होता है, कैसे होता है। और दूसरा पार्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चार्जेस, कौन कौन से चार्जेस होंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वर्कशॉप अकाउंट में डेबिट होते हैं। और तीसरा है एनुअल अकाउंट एंड रिव्यू, वर्कशॉप अकाउंट जो है एनुअल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा और उसका रिव्यू कैसे किया जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये कहा गया कि डिविजन्स के नीड के हिसाब से अलग अलग वर्क होते हैं, वर्कशॉप इस्टेब्लिश किया जाता है, तो उनका जो अकाउंट होगा वो कैसे मेंटेन होगा। सबसे पहले इसमें यह है कि अकाउंट ऑफ वर्कशॉप डिपेंड्स ऑन साइज़ एंड एक्सटेंट ऑफ द शॉप। मतलब जो भी वर्कशॉप होगा उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब वो छोटा शॉप है या बड़ा वर्कशॉप है उसके अकॉर्डिंग, और किस एक्सटेंट का वर्क होता है वहाँ पे, इसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि उसका अकाउंट किस टाइप का होगा। ये पहली बात हो गई। और वो ऐसे कि अगर वो स्मॉल शॉप है या रिपेयर है, मतलब अगर छोटा वर्कशॉप है या फिर रिपेयरिंग वर्क होता है वहाँ पर, तो उसका जो अकाउंट होगा तो वो उस तरह का होगा जैसा रिपेयर अकाउंट का या फिर मैन्युफैक्चर अकाउंट का होता था। लेकिन अगर वो बड़ा वर्कशॉप है तो जो उसको सेपरेट डिवीज़न या सब डिवीज़न की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब जो भी अमाउंट उसको दिया जाएगा उस वर्कशॉप में, ये समझा जाएगा या ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि एक सेपरेट डिवीज़न या सेपरेट सब डिवीज़न को अमाउंट दिया जा रहा है। और वहाँ से अगर कोई चीज़ आती भी है तो हम यही ट्रीट करेंगे उसको ऐसे कि यहाँ किसी दूसरे डिवीज़न या किसी दूसरे सब डिवीज़न से हमें वो चीज़ रिसीव हो रही है। इसमें तीसरी बात ये कही गई कि अगर क्वासी कमर्शियल टाइप का वर्क वहाँ पे होता है तो उसका अकाउंट भी कमर्शियल टाइप का ही मेंटेन किया जाएगा। मतलब उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स, ये सब उसमें मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है, फॉर एवरी जॉब वन एस्टिमेट इज़ प्रिपेयर्ड। और ये जो एस्टिमेट प्रिपेयर कर रहे हैं इसमें तो दिखाया जाएगा इट शोज़ मैक्सिमम एक्सपेंडिचर दैट कैन बी इनकर्ड इन दैट वर्कशॉप। मतलब उस वर्कशॉप में जितना मैक्सिमम वर्क मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किया जा सकता है वो उस एस्टिमेट में शो किया जाएगा, ठीक है। और जब तक दोबारा रीअप्रोप्रिएशन ना हो या एडिशनल अप्रोप्रिएशन ना हो, तब तक उसमें उस अमाउंट से ज़्यादा हम उसमें एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। अब ये प्रिपेयर कौन करेगा? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड इट इज़ साइंड बाय द इंडेंटिंग डिवीज़न। जिस डिवीज़न के नीड के लिए हम ये वर्कशॉप इस्टेब्लिश कर रहे हैं उस डिवीज़न का यहाँ पे पहले साइन होगा उस डिवीज़न के डिविजनल ऑफिसर का, उसके बाद ही हम कोई वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ जॉब एक्सपेंड्स मोर देन वन ईयर। अगर कोई ऐसा वर्कशॉप है जो हमें लगता है कि एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा तक वो चलेगा, मतलब हमने आज स्टार्ट किया और वो इसी फाइनेंशियल ईयर में कम्प्लीट नहीं होगा, अगर ऐसा एक्सपेक्टेड है तो हमें ये भी बताना होगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में उस वर्कशॉप में कितना एक्सपेंडिचर किया जाना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इफ़ जॉब एक्सपेंड्स मोर देन वन ईयर देन द लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज़ टू बी इनकर्ड इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज़ टू बी मैंशनड। नेक्स्ट है, नो वर्क बिफोर पेमेंट फॉर लोकल बॉडीज़ और प्राइवेट पार्टीज़। अगर हम लोकल बॉडीज़ या प्राइवेट पार्टीज़ के लिए कोई वर्क कर रहे हैं, उनके लिए अगर हमें कोई वर्कशॉप इस्टेब्लिश करना है, तो जब तक उनसे पेमेंट रिसीव नहीं होगा तब तक हम उनके लिए वर्क शुरू नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि अगर डिविजनल ऑफिसर या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ वर्क ये अगर आपको बोलते हैं कि भाई उनके लिए वर्क शुरू कर दो, तो हम कर देंगे। लेकिन उससे पहले जिस ऑफिसर के कहने पर हम वर्क शुरू करेंगे, जिस ऑफिसर की अथॉरिटी पर हम वर्क शुरू करेंगे, वो सबसे पहले हमें एक अंडरटेकिंग लिख के देगा, ठीक है। और वो अंडरटेकिंग इस बात का होगा कि अगर उस पर्टिकुलर पार्टी से, उस लोकल बॉडी से, उस म्यूनिसिपैलिटी से या फिर उस प्राइवेट पार्टी से हमें अमाउंट रिसीव नहीं होता है, तो इसकी रिकवरी उस पर्टिकुलर ऑफिसर के पेमेंट से नेक्स्ट मंथ से शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद इसमें है, अंडरटेकिंग बाय पार्टी कंसर्न, जिसके लिए भी हम वर्क कर रहे हैं, जिसके लिए हमने वर्कशॉप इस्टेब्लिश किया है, उस पार्टी से हमें अंडरटेकिंग लेना है। और ये अंडरटेकिंग ये होगा कि नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CPWD फॉर लॉस, थेफ्ट एट्सेट्रा। मतलब उस वर्कशॉप में अगर लॉस हो गया कोई या थेफ्ट हो गया या फिर कोई भी अनफोर्सिन केसेस आ गए, ठीक है, जो हमें नहीं पता था पहले से, तो अगर ऐसे किसी भी रीज़न से कोई लॉस हुआ या कोई थेफ्ट हुआ तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी CPWD की नहीं होगी। इसके बाद इसमें है, ऑपरेशन कॉस्ट इज़ मंथली चार्ज टू MWA। जो ऑपरेशन कॉस्ट होगा, मतलब किसी भी वर्कशॉप को रन करने के लिए जो कॉस्ट, जो एक्सपेंडिचर उसमें किया जा रहा है, इसको हर महीने
MWA दैट इज़ मिसलिनियस वर्क्स एडवांस में चार्ज किया जाएगा, मतलब उसमें डेबिट किया जाएगा। हमने पढ़ा था जब हमने सस्पेंस अकाउंट पढ़ा था कि जब भी हमें कोई चीज़ डेबिट करना हो लेकिन ये ना पता हो कि कहाँ डेबिट करना है तो उसको हम डेबिट करते हैं MWA दैट इज़ मिसलिनियस वर्क्स एडवांसेस पे। तो यहाँ भी ऑपरेशन कॉस्ट को फिलहाल हम MWA पे डेबिट कर देंगे। अल्टीमेटली इसको हम जिस कंसर्न पार्टी का वर्कशॉप है वहाँ से हमें जब भी इसको क्लियरेंस करना होगा तब इसको हम इस हेड को क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हर महीने इस जो ऑपरेशन कॉस्ट है उसको MWA पे हमको डेबिट करना है। इन द लास्ट पॉइंट इज़ रिवाइज्ड एस्टिमेट्स टू बी ड्रॉन इफ़ नीड इज़ एक्सपेक्टेड। जब भी हमें ऐसा लगता है कि ये जो एस्टिमेट हमने यहाँ ड्रॉ किया है जहाँ ये बताया गया है कि कितना एक्सपेंडिचर होगा उस वर्कशॉप में, अगर हमें किसी पॉइंट पे ये लगे कि इस एक्सपेंडिचर्स जो हमने डिसाइड किया है इस लिमिट से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर होगा तो हम उस पर्टिकुलर वर्कशॉप के लिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ वर्कशॉप अकाउंट। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चार्जेस, मतलब जो चार्जेस होंगे वर्कशॉप अकाउंट के वो कहाँ कौन से अकाउंट में डेबिट या कहाँ कौन से अकाउंट में क्रेडिट करना है। इसके लिए हम बेसिकली देखेंगे तीन टाइप के अकाउंट्स हैं। पहले हैं जिसमें कैपिटल अकाउंट्स होगा फॉर इरिगेशन, दूसरा होगा जिसमें कैपिटल अकाउंट्स फॉर सिविल वर्क्स, तीसरा ये होगा जिसमें कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया जाना है। तो सबसे पहला देखते हैं जहाँ पे इरिगेशन के लिए कैपिटल अकाउंट होगा। तो बेसिकली चार चीज़ें होंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसीट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर आपने मेजर हेड कोड में कैसे वेरिएशन होता है ये पता है आपको कि पहला डिजिट चेंज करने से कैसे कैपिटल हेड से वो रिवेन्यू हेड में चला जाता है, तो अगर ये आपको पता है तो आपको बहुत इजी होगा समझने में। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इज़ 4701, आपको केवल लास्ट के तीन डिजिट याद करने हैं, 4 तो आपको वैसे भी याद होगा, 4701 इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपको ये भी पता होगा कि जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं और उसके बाद हमें कैपिटल रिसीट भी हुआ, मतलब रिकवरी हुई एक्सपेंडिचर की, तो ये जो रिकवरी है या कैपिटल रिसीट है इसको हम दूसरे हेड में नहीं जाते बल्कि उसी हेड में जहाँ पे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था उसी हेड में उसको माइनस करते हैं। तो अब क्या होगा कि कैपिटल रिसीट अगर होता है तो इसी हेड में उसको रिडक्शन की तरह दिखाया जाएगा, उसको माइनस किया जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट। इसके बाद नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ऑब्वियसली अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है 4701 तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा 2701 और रिवेन्यू रिसीट होगा 0701। तो ये याद रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर 4701, कैपिटल रिसीट इसी 4701 में माइनस एंट्री, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ 2701 एंड रिवेन्यू रिसीट इज़ 0701। और ये केवल वर्कशॉप के लिए नहीं, किसी भी ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम के लिए जहाँ पे हमको परमानेंटली कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसका प्रोसीजर यही होता है। वहाँ पे कैपिटल अकाउंट होगा, कैपिटल ठीक है तो उसमें एक्सपेंडिचर होगा, रिसीट होगा तो उसी में रिडक्शन दिखाया जाएगा, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू अकाउंट रिसीट के लिए दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कैपिटल अकाउंट्स फॉर सिविल वर्क। अगर जो कैपिटल अकाउंट है वो सिविल वर्क के लिए तो अब क्या डिफरेंस आएगा, अब ये होगा कि अब जो एक्सपेंडिचर है चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो दोनों को हम 2059 में करेंगे। ठीक है, तो ऐसा अब क्यों है, क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर पहले होते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब दोनों को हम एक ही प्लेस पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली हम अलग क्यों करते थे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से, इसको ये समझिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होते थे परमानेंट टाइप के और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते थे जो डे टू डे लाइफ के लिए होते थे, लेकिन क्योंकि वर्कशॉप खुद अपने आप में और स्पेशली जब सिविल वर्क्स की बात करें तो जो वर्कशॉप हैं खुद अपने आप में टेम्पररी होते हैं, एक वर्क शुरू हुआ कुछ दिन बाद वो वर्क ख़त्म हो जाता है, दूसरा वर्कशॉप शुरू हुआ कुछ दिन बाद वो भी ख़त्म हो जाता है, तो क्योंकि ये खुद ही टेम्पररी टाइप के हैं इसलिए जब हम सिविल वर्क्स के लिए कैपिटल अकाउंट बनाने की बात करेंगे स्पेशली वर्कशॉप के केस में तो वहाँ हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करते हैं उसको भी हम परमानेंट एक्सपेंडिचर नहीं मानते, उसको हम मानते हैं कि ये डे टू डे लाइफ के एक्सपेंडिचर हैं। तो इसलिए अब क्या होगा कि कोई भी एक्सपेंडिचर हो चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रिवेन्यू हो दोनों को हम करेंगे 2059 पे। लेकिन जब हमें रिसीट होंगे तब हम देखेंगे कि कैपिटल जो हमने एक्सपेंडिचर किया उसकी रिकवरी है या हमें रिवेन्यू रिसीट हो रहा है। अगर कैपिटल जो हमने एक्सपेंडिचर किया उसकी रिकवरी है तो इसको 2059 में ही माइनस एंट्री की जाएगी जैसा कैपिटल अकाउंट में हमेशा होता है, और अगर वो रिवेन्यू रिसीट है
तो हम उसको इस हेड में नहीं डालेंगे, उसको हम डालेंगे रिवेन्यू रिसीट वाले हेड में, विच इज़ 0059। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर कैपिटल अकाउंट सिविल वर्क्स के लिए रखा गया है, ठीक है, और स्पेशली वर्कशॉप के केस में, तो क्या होगा कि कोई भी एक्सपेंडिचर हो, रिवेन्यू हो या कैपिटल हो, दोनों को आप यहाँ लाएंगे 2059 पे। और जब रिकवरी होगी, तो अगर कैपिटल अकाउंट से रिकवरी हो रही है तो उसको इसी 2059 में माइनस एंट्री होगी, लेकिन जब रिवेन्यू रिसीट आएंगे आपके पास तो उसको आप करेंगे 0059 हेड पे। इसमें लास्ट पार्ट है नो कैपिटल अकाउंट्स। अगर कैपिटल अकाउंट मेंटेन ही नहीं करना है तो ऑब्वियसली जितने एक्सपेंडिचर होंगे उसको भी हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, और जितनी रिसीट आएंगी उसको भी हम रिवेन्यू रिसीट ही ट्रीट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ऑल एक्सपेंडिचर 2701 एंड 2059, मतलब इन्हीं दोनों हेड में से किसी एक हेड में वो सारे एक्सपेंडिचर्स डाले जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि किस चीज़ में वो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, चाहे वो इरिगेशन में हो रहा है या फिर सिविल वर्क्स में हो रहा है। तो इसके बेसिस पे हम उसको इन दोनों में से किसी एक हेड में, दोनों रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के हेड हैं यहाँ पे, उसको हम डेबिट करेंगे। और जब भी हमें रिसीट होगा तो वो भी हम 0701 फॉर इरिगेशन एंड 0059 फॉर सिविल वर्क्स, तो इन्हीं दोनों हेड में से किसी एक हेड में उसको, उस रिसीट को भी डाला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग लैंड स्टॉक प्लांट मशीनरी मेंटेनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जो कैपिटल टाइप के एक्सपेंडिचर्स हैं इनको कंसर्न मेजर हेड में आपको डेबिट करना है, मतलब जैसे नॉर्मल वर्क में हम करते थे वर्कशॉप अकाउंट के पहले, वैसा ही इनको ट्रीट करना है। जो कैपिटल टाइप के एक्सपेंडिचर्स हैं जैसे बिल्डिंग लैंड स्टॉक प्लांट मशीनरी मेंटेनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इनके अलावा जो अदर चार्जेस होंगे वो जाएंगे वर्कशॉप सस्पेंस में। और वर्कशॉप सस्पेंस में इसलिए क्योंकि फ़िलहाल हम इसको वर्कशॉप सस्पेंस में रखेंगे, और बाद में अलग अलग जो हमारे पास वर्कशॉप के अकाउंट्स हैं उसमें इसको डेबिट करना है। अब इसमें एक छोटी सी बात ये याद रखनी है कि जो एक्सपेंडिचर पर्टिकुलर एक वर्कशॉप के लिए हुई है उसको उसी वर्कशॉप में डेबिट करना है, और जो जनरल टाइप के एक्सपेंडिचर हैं जो सारे वर्कशॉप के लिए एक्सपेंडिचर हुआ है उसको सारे वर्कशॉप में उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें एक चीज़ और कहा गया कि ऑल लाइबिलिटीज़ इनटू अकाउंट ऑल दो अनडिसबर्सड। जब भी कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो चाहे उसका पेमेंट हुआ हो या ना हुआ, मतलब आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है और उसका पेमेंट भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन फिर भी उसको हर महीने आपको अकाउंट में लेके आना है, सो दैट ये पता चले कि अलग अलग वर्कशॉप का जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसको हम बाद में हम ट्रेस कर सकें कि मंथली जो उनका एक्सपेंडिचर था सब वर्कशॉप का वो कितना था। तो इसलिए चाहे आपने डिसबर्समेंट किया हो, चाहे आपने पेमेंट किया हो या ना किया हो, चाहे आपने सेटल किया हो या ना किया हो, लेकिन जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं या जितने भी लाइबिलिटीज़ आपके सामने क्रिएट होती हैं उन सबको आपको कंसर्न हेड में आपको मंथली लेके आना है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन विच इज़ क्लियर्ड मंथली, मतलब जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, ऑपरेशन कॉस्ट होता है किसी वर्कशॉप को चलाने के लिए जो कॉस्ट, जो एक्सपेंडिचर होता है उसको आपको मंथली क्लियर करना है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए द टोटल कॉस्ट इज़ रुपीज़ 500 और लेस, मतलब 500 या 500 से कम का टोटल कॉस्ट होता है साल भर का, ठीक है, तब आपको मंथली क्लियर नहीं करना है। दूसरा केस ये है कि इफ़ मंथली क्लियरेंस इज़ नॉट कन्वीनियंट, मतलब आप मंथली क्लियरेंस करना आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो इन दोनों केसेस में आपको मंथली क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन कॉस्ट को। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साल में एक बार क्लियर किया जाएगा, इट इज़ क्लियर्ड एनुअली। तो साल में एक बार इसको क्लियर करना है। अब कब करना है, तो जैसे ही कोई वर्कशॉप का काम ख़त्म हुआ तो जिस महीने में ख़त्म हुआ उस महीने में हम उसको क्लियर कर देंगे, और मान लीजिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो काम ख़त्म ही नहीं हुआ तो भी हम उसको मार्च में जाके क्लियर कर देंगे। इसके बाद कहा गया कि एस्टिमेटेड कॉस्ट इफ़ रिसीव्ड इन एडवांस, अगर हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने उनसे एडवांस में रिसीव कर लिया तो फ़िलहाल हम इसको डिपॉजिट की तरह अपने पास रख लेंगे, और उसके बाद हम काम कंप्लीट करेंगे, लास्ट में अकाउंट में पूरा कैलकुलेशन होगा, एडजस्टमेंट होगा, और अकाउंट क्लोज़र के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचेगा एक्सेस अमाउंट उसको तब कहीं जाके हम उसको वापस करेंगे। अकाउंट जब तक क्लोज ना हो तब तक एक्सेस अमाउंट को उस पर्टिकुलर पार्टी को या उस लोकल बॉडी को हमें वापस नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट है इफ़ डन फॉर अदर्स, जब भी हम दूसरे के लिए काम करेंगे तो एक और चीज़ है कि जब हम अपने ही डिवीज़न या दूसरे डिवीज़न के लिए काम करते हैं, अपने ही डिपार्टमेंट के लिए, तब हम टूल्स एंड प्लांट्स के चार्जेस या फिर जो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको वर्कशॉप में नहीं उसको डेबिट करते। लेकिन जब अगर हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में
जो भी हमारे टूल्स एंड प्लांट्स के चार्जेस हैं या फिर जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं, तो उसको भी हम वहाँ से रिकवरी करते हैं। और इस कंडीशन में ये जो रिकवरी होगी इसको हम करेंगे 0059 इस रेवेन्यू रिसीट के हेड में। लास्ट इसमें पॉइंट है इनडायरेक्ट चार्जेस ब्रॉट टू अकाउंट वेन एवर डायरेक्ट चार्जेस आर सेटल्ड। जब भी डायरेक्ट चार्जेस को आपको सेटल करना है तब तब आपको इनडायरेक्ट चार्जेस को भी अकाउंट में लेके आना होगा। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चार्जेस। द लास्ट पार्ट इज एनुअल अकाउंट्स एंड रिव्यू। तो सबसे पहले ये कि एनुअल अकाउंट्स जो प्रोफॉर्मा अकाउंट बनेगा वो तीन पार्ट में बनता है। पहला होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है आउटर्न अकाउंट और तीसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट होगा वो बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक आउटस्टैंडिंग सस्पेंस मतलब सस्पेंस हेड में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इन सब को मिला के हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है। मतलब जो कैपिटल एसेट्स हैं हमारे पास उनका जो अकाउंट होगा उसको हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट। किसी पर्टिकुलर वर्कशॉप में कितना बिल्डिंग का हमने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ मतलब कितना उसमें लगा हुआ है सब कुछ कैपिटल का पार्ट वो आएगा कैपिटल अकाउंट में। दूसरा होता है आउटर्न अकाउंट मतलब जो डेली हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसमें चार्जेस ऑन लेबर एंड स्टोर और उसके अलावा जनरल एंड इनडायरेक्ट चार्जेस ये होते हैं आपके आउटर्न अकाउंट में। तो ये दो अकाउंट हो गए। इसके अलावा जो तीसरा अकाउंट होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो साइड होंगे। पहले साइड में होंगी एक्चुअल लाइबिलिटीज़ मतलब वो लाइबिलिटीज़ जो पर्टिकुलर उस वर्कशॉप से रिलेटेड हैं और दूसरे साइड में होंगी परसेंट चार्जेस ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज़ मतलब उन लाइबिलिटीज़ का परसेंट चार्ज जो सारे वर्कशॉप पे मिला के किया जा रहा है। तो पहले देखते हैं पहला साइड जहाँ पे एक्चुअल लाइबिलिटीज़ होंगी मतलब वो लाइबिलिटीज़ जो उसी पर्टिकुलर वर्कशॉप पे खर्च की जा रही हैं। सबसे पहला क्या होगा कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल उस पर्टिकुलर वर्कशॉप पे लगाया गया है उस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आ रहा है हम ये मान के चलेंगे कि वो इंटरेस्ट भी उसी वर्कशॉप पे खर्च हो रहा है तो ये उस वर्कशॉप की लाइबिलिटी है। दूसरा द मेंटेनेंस चार्जेस जो भी मेंटेनेंस चार्जेस लग रहे हैं वहाँ पे ठीक है ये भी उस पर्टिकुलर वर्कशॉप की लाइबिलिटी है। और तीसरा डेप्रिसिएशन जो भी कैपिटल या जो एसेट हमने लगाया होगा उस पर्टिकुलर वर्कशॉप में उस एसेट की या उस कैपिटल की वैल्यू में जो डेप्रिसिएशन आ रहा है जो वैल्यू में कमी आ रही है ये भी हम मानेंगे कि ये उस पर्टिकुलर वर्कशॉप की लाइबिलिटी है। तो ये हो जाएगा एक्चुअल लाइबिलिटीज़ जो पहले साइड में होंगी। दूसरे साइड में होंगी द परसेंट चार्जेस ऑफ द लाइबिलिटीज़। अब ये क्या होगा सारे वर्कशॉप की जो टोटल लाइबिलिटी बन रही है मतलब ऐसे कैपिटल जो इंडिविजुअली वर्कशॉप पे नहीं लगाए गए हैं लेकिन सारे वर्कशॉप पे एक साथ लगाया गया होगा तो उसका भी एक परसेंट चार्ज जाके उस पर्टिकुलर वर्कशॉप की लाइबिलिटी बनेगी। तो ये जो परसेंटेज चार्जेस हैं ये दूसरे साइड में होंगे। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक साइड में होगा इंडिविजुअली जो पर्टिकुलर वर्कशॉप पे जो कैपिटल्स लगाए गए हैं उसकी लाइबिलिटीज़ और दूसरे साइड में होगा जो इंडिविजुअली नहीं बल्कि सारे वर्कशॉप पे एक साथ मिला के कोई कैपिटल लगाया गया है तो उसकी लाइबिलिटीज़ का एक परसेंटेज भी जाके इस लाइबिलिटी में जाके ऐड होगा। तो ये दो साइड होंगे जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन दोनों को मेंटेन किया जाएगा। इसका नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ वर्कशॉप अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व्ड स्टॉक। इसमें ये है कि अगर स्टॉक का एक पर्टिकुलर पार्ट को रिजर्व कर दिया गया है पर्टिकुलरली वर्कशॉप अकाउंट के लिए मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये कह दिया हो कि स्टॉक का ये पर्टिकुलर पार्ट स्पेशली रिजर्व्ड रहेगा हमेशा वर्कशॉप के लिए तो अब क्या होगा ये जो स्टॉक का अकाउंट है उसको वर्कशॉप अकाउंट का पार्ट हम मानेंगे। लेकिन अगर ऐसा अलग से रिजर्व नहीं किया जाता है तब हम इसको वर्कशॉप अकाउंट का पार्ट नहीं मानेंगे। हालांकि तब भी सप्लाई स्टॉक से होगी वर्कशॉप में लेकिन अब हम स्टॉक के अकाउंट को वर्कशॉप अकाउंट का पार्ट नहीं मानेंगे। और इस कंडीशन में ये भी होगा कि ये जो स्टॉक यहाँ रखा हुआ है इसमें जो इंटरेस्ट आएगा या इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा इसको हम वर्कशॉप के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर यही रिजर्व्ड होता तो इसमें जो इंटरेस्ट आएंगे इस स्टॉक में भी उसको भी हम वर्कशॉप अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी एंट्री होती। इसके बाद है एनुअल रिव्यू। सो अकाउंट ऑफिसर विल रिव्यू एनुअली विद कंसल्टेशन ऑफ ऑफिस इंचार्ज। ऑफिस इंचार्ज के कंसल्टेशन से अकाउंट ऑफिसर वर्कशॉप अकाउंट्स का एनुअल रिव्यू करेगा और देन ही विल रेंडर टू CAA चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी को ये बताएगा कि आइदर देयर शुड बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ परसेंट चार्जेस और देयर शुड बी अ रिविजन इन परसेंट चार्जेस। जो परसेंट चार्जेस फिक्स किए गए हैं उसमें उसी को कंटिन्यू करना है अगले साल के लिए भी या फिर उस परसेंट चार्जेस में परसेंटेज में कोई
रिवीजन करना है, और ये वो विद जस्टिफिकेशन बताएगा कि अगर इसी परसेंटेज को कंटिन्यू करना है तो क्यों करना है, और इसी परसेंटेज को अगर रिवाइज कर देना है अगले साल तो क्यों रिवाइज करना है। तो विद जस्टिफिकेशन वो CAA को बताएगा। इसके बाद इसमें एक चीज़ और कहा गया कि टू फैसिलिटेट द अबव रिव्यू, ये जो रिव्यू किया अकाउंट ऑफिसर ने, इस रिव्यू के लिए एक चीज़ क्या करेंगे कि हम PL&L अकाउंट में, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रोग्रेसिव फिगर भी शो करेंगे। मतलब केवल एक साल का प्रॉफिट या लॉस हम शो नहीं करेंगे, बल्कि एक पर्टिकुलर डेट से अब तक कितना प्रॉफिट या लॉस होता आया है ये भी हम शो करेंगे, सो दैट अकाउंट ऑफिसर उसको देख के ये पता कर सके कि पहले इतना प्रॉफिट होता था, अब इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो इस सब को देख के वो ये डिसाइड कर सके कि ये जो परसेंट चार्जेस हैं इसको सेम रखना है, इसी को कंटिन्यू करना है, या फिर इसको रिवाइज करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्कशॉप अकाउंट। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद।